हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में LED इंडिकेटर्स के अनबॉक्सिंग दिखाया था, तब मैं बताया था कि मैं अगले वीडियो में इनका पूरा इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन आपको दिखाने वाला, पहले मैं अपन देखते हैं कि पूरे अपन क्या करने वाले हैं। तो मेरे पास अपाची 160 है, तो इसमें हम LED इंडिकेटर्स इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सीट खोल के सबसे पहले सीट में खोल देता हूँ, उसके बाद उसके अंदर के वायरिंग आपको दिखा देता हूँ अपन क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का जो वायर है वो लेफ्ट इंडिकेटर का है, यानी कि ये इंडिकेटर का, और जो ये वायलेट कलर का वायर है वो आके राइट इंडिकेटर का है, रियर राइट इंडिकेटर का। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों पिन राइट और लेफ्ट इंडिकेटर का ग्राउंड पिन है, तो ये कंबाइन होकर रहता है क्योंकि सेम ग्राउंड पे, फर्क नहीं पड़ता कैसा भी हो। तो आपको ये वायलेट और ग्रीन कलर निकाल देना है, और ये हाइब्रिड पिन से ये दोनों वायर निकाल देना है। और दूसरा स्टेप है कि इसके पीछे एक स्क्रू है वो निकल देना है, वैसे ही दूसरा ओपोजिट साइड में भी सेम स्क्रू है, वो भी आपको अपन निकल लेंगे तो अब ये आराम से बाहर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अंदर एक ये दो होल है, उसमें से वायर नीचे जाता है, तो आराम से वो नीचे से निकल जाएगा। तो मैंने ये पूरे वायरिंग निकाल दिया है, ये राइट इंडिकेटर का है, रियर राइट इंडिकेटर का वायर है, और ये लेफ्ट इंडिकेटर का वायर है। दोनों होल आपको दिखाई दे सकता है, ये लेफ्ट इंडिकेटर का है या राइट इंडिकेटर का है। मैंने ये दोनों निकाल दिया है। ये तो टेल लैंप का प्लग है, इसको ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉक इंडिकेटर निकाल के LED इंडिकेटर में उसमें मैं रख के मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए आपको 40 नंबर के पाना की ज़रूरत पड़ेगी, तो 40 नंबर पाना से आसानी से निकल जाएगी। तो पहले अपन ये निकाल देते हैं, मैं पूरा निकाल के फिर आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने स्टॉक इंडिकेटर निकाल के पुराना पूरा दोनों लगा दिया है, अभी तो एकदम चकाचक दिख रहा है। गाइस, वायरिंग करना इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, तो पहले वाला निकल के नया वाला स्लॉट में घुसा देना है। स्टॉक और LED के में कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है स्टॉक। तो अभी मैं ऑन करके इसको दिखा देता हूँ। Yeah.
गाइस मैंने पूरे इंडिकेटर सब फिट कर दिए और देखने में भी एकदम मस्त लग रहा है, बहुत तो अच्छा लग रहा है। तो मेरे बाइक में भी एकदम सूट कर रहा है, ब्लैक के शेड और दोनों बहुत सूट कर रहा है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है और सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके उधर कमेंट कर सकते हैं, तो आप मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, डू लाइक माई वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।